तो क्या हाल है सभी का, स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हाई ग्राफिक्स मोबाइल गेम्स के बारे में। और ये जो गेम है बिल्कुल लेटेस्ट है, नए हैं, बिल्कुल 2024 में ट्रेंडिंग चल रहे हैं। अगर 2024 में ये नहीं खेला तो क्या खेला। तो चलिए बिना बकवास करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट का सबसे पहला गेम निकल कर आने वाला है, वो होने वाला है वंस ह्यूमन। वंस ह्यूमन एक ओपन वर्ल्ड मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम है। एक्चुअल में इसकी स्टोरी क्या है कि यहाँ पे काफी अच्छा खासा बड़ा वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक कुछ वायरस फैल गया है, कुछ दूसरी दुनिया के क्रीचर्स आ चुके हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे पता है क्या, हमारे पास हाईटेक वेपन्स हैं। यहाँ पे कई क्रीचर से फाइट करनी है आपको, मल्टीप्लेयर सर्वाइव करना है। और जिसमें आप खेल लोगे उसी पर बाकी प्लेयर्स भी खेल रहे होंगे। तो जैसे ही आप उनसे मिलते हो डिसाइड आपको करना है कि टीम अप करना है या मारना है। काफ़ी सारे जानवर देखने के मिल जाते हैं, नई नई गन्स हैं और ब्यूटीफुल लोकेशन सर। ग्राफिक्स की तो मैं क्या ही बात करूं, बहुत तगड़े ग्राफिक्स हैं। ये गेम पीसी और मोबाइल दोनों के लॉन्च हो चुका है। गेम में काफी अच्छी लोकेशन देखने की मिल जाती है और पीसी वाला वर्जन अलग है, मोबाइल वाला वर्जन अलग है, तो थोड़ा दोनों में फर्क है। इसका जो नेक्स्ट गेम निकल कर आने वाला है वो होने वाला है असैसिन्स क्रीड मिराज। मिराज का इंतजार हम काफी टाइम से कर रहे थे, तुम भी, हम भी और सारे जितने गेमर्स थे काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे मोबाइल पर लॉन्च होने का। बट एक्चुअल में ये एंड्रॉइड पर लॉन्च नहीं हुआ, सिर्फ iOS पर लॉन्च हुआ है। गेम का साइज भी अच्छा खासा बड़ा देखने को मिल जाता है। असैसिन्स क्रीड के फैन हर जगह हैं भाई, कहाँ नहीं है। प्लेस्टेशन 2 के टाइम से काफी ज्यादा फेमस है। मैंने इसके कई सारे गेम खेले हैं जैसे मोबाइल में ब्लडलाइंस, आइडेंटिटी और अब तो मिराज भी आ चुका है। बट लेकिन यह ना कि सिर्फ iOS यूजर के लिए। और असैसिन्स क्रीड के बारे में तो क्या ही बताऊं, ऑलरेडी इतना फेमस, जितना बताऊंगा उतना कम। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट गेम की तरफ जिसका नाम आने वाला है ब्लैक डेजर्ट। तो ब्लैक डेजर्ट एक तरह का MMORPG गेम। और एक्चुअल में इस गेम के जो ग्राफिक्स है ना भाई, मेरे को इतना मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा था इस गेम के ग्राफिक्स इतने खतरनाक होंगे। गेम में काफी अच्छे कैरेक्टर देखने मिल जाते हैं और कैरेक्टर्स के बेहतरीन बेहतरीन अटैक देखने मिल जाते हैं। गेम के जो ग्राफिक्स और विजुअल्स हैं कमाल के हैं, बेहतरीन भाई साहब। तो मैं बिल्कुल जैसा कहता जेंशन इंपैक्ट वाली फीलिंग आई। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये गेम खेला था मेरी खुद की हालत खराब हो गई थी, मैं कहा यार इस गेम के इतने तगड़े ग्राफिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। जो नेक्स्ट गेम निकल कराना है वो भी एक तरह का सर्वाइवल गेम है जिसका नाम है क्राइसिस एक्स। क्राइसिस एक्स बेसिकली क्या है कि एक ओपन वर्ल्ड गेम है। यहाँ पे आपको जो हमारा कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे क्या है ना कि स्टोरी है कि सारे तरफ ना ज़ॉम्बी प्लेग फैला हुआ है, मतलब सारे में ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी हो चुके हैं, सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तो उनके बीच आपको सर्वाइव करना है, अपना घर बनाना है। और इसमें आपको पैट वगैरह का भी सिस्टम मिल जाता है, पैट वगैरह बनाओ, फुल्ली कस्टमाइजेबल कैरेक्टर्स देखने मिल जाते हैं। गेम पे ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन गेम है, इसे भी हम ट्राई कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट गेम निकल कर आने वाला है वो होने वाला है द अकेडमी। द अकेडमी देखो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें एक स्टूडेंट के ऊपर बेस है, जहाँ पे अकेडमी में एडमिशन लेता है और वहाँ पे अकेडमी में ना कई सारे पजल्स मिस्ट्रीज वगैरह होती है, उस बच्चे को सॉल्व करनी होती है। और अपना कुछ दोस्त वगैरह होते हैं जो मिलकर हमारी मदद करवाते हैं। हमें एक्चुअल में जानना है कि एक्चुअल में इस अकेडमी का रहस्य क्या है। गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मजा आता है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की मिलती हैं और थोड़ी साइंस फिक्शन जादुई चीज़ें भी देखने को गेम में के लिए मिलती है। और काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है तुमको पजल सॉल्व करने के लिए। इसका जो नेक्स्ट गेम निकल कर आना है वो होने वाला है MERX कह लो या फिर मैरेक्स कह लो। मैरेक्स को देखो मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि एक्चुअल में गेम में कि PvP टाइप का गेम है। कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, उनकी एबिलिटी देखने को मिल जाती हैं और तुम्हें सीधा अपना PvP भी खेलना है और दो तीन तरह के कुछ मैप देखने को मिल जाते हैं। तुम पे छोड़ता हूँ, खुद डिसाइड, क्योंकि गेम हाल ही में लॉन्च हुआ है, कमाल की बात, तो मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं करा। नेक्स्ट गेम होने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अपने ब्यूटीफुल विजुअल के साथ आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या सीन है, इसमें ना तुम्हें पजल सॉल्व करनी है, पजल सॉल्व करके तुम्हें आगे बढ़ना है, लेवल्स क्लियर करनी है, स्टेज क्लियर करनी है और पजल्स भी ऐसी वैसी। पजल सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में तुम्हारी पजल्स का जो आउटपुट वो एक म्यूजिक की तरह निकल के आएगा। तुम्हें बस म्यूजिक की बीट बनानी है, अगर तुम्हारा म्यूजिक सही बनता है तो यानी तुम्हारी पजल सॉल्व हो चुकी है, तुम्हें अगले लेवल पर जाने दिया जाएगा। गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है। और लेवल्स है ना, जो उनका जो इंटरेस्ट लेवल है, मतलब जो इतनी इंटरेस्टिंग लेवल्स बनाई है और ऊपर से म्यूजिक का मेल, तो भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल हो जाता है। गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देख। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट गेम की तरफ। जो नेक्स्ट गेम निकल कर आने वाला है वो होने वाला है AFK जर्नी। बेसिकली AFK जर्नी एक तरह का फैंटेसी RPG गेम है जिसमें आपको काफ़ी सारी पजल सॉल्व करनी है, एडवेंचर करना है, एनिमीज से फाइट करनी है, बॉस फाइट्स करनी है। गेम में कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, हर कैरेक्टर की अपनी अपनी स्टोरी है, पूरा स्टोरी बेस्ड गेम प्ले भी चलता रहेगा। और गेम के जो विजुअल ग्राफिक्स जो है, जो कि आपको एनिमेटेड मूवी वाले मिल जाते हैं, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और गेम की जो स्टोरी बीच बीच में आती है ना, उससे गेम में इंटरेस्ट बना रहता है। काफ़ी अच्छा गेम है। गेम में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसकी पजल्स वाले गेम ना और RPG मिक्सचर है। अब चलते हैं हमारे एक नेक्स्ट लेवल गेम की तरफ जिसका नाम आने वाला है रिकॉर्ड। देखो जैसा इसका नाम है वैसा ये गेम है। ये गेम एक्चुअल में ना ऐसा लगता है जैसे कोई आर्मी वाला बंदा है, उसने सब और क्या कहते हैं अपने आगे कैमरा लगा रखा है और उसको देख रहे हैं, उसे कंट्रोल कर रहे हैं। गेम में जो रियलिज्म है ना, मतलब गेम के जो ग्राफिक्स, तुम सोचो कि भाई बिल्कुल रियलिस्टिक, तुम फ़र्क नहीं पहचान पाओगे भाई असलियत में और गेम में। गेम काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि देखो यार मैं अगर सारा गेम स्पॉइल कर दूंगा तो तुम लोग क्या खेलोगे। चलते हैं इसके आखिरी गेम की तरफ। जो हमारा आखिरी गेम निकल कर आने वाला है वो होने वाला है Asphalt Legends Unite।
काफी बंदों ने इस गेम का नाम सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उन्हें बता दूं, अस्फाल्ट वालों की तरफ से आने वाला गेम है, जो कि अस्फाल्ट लाइन के बाद आया था। और अस्फाल्ट लाइन के बाद आया, इसका मतलब अस्फाल्ट लाइन से बेहतर ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल्स, बेहतर कारें, बेहतर लेवल, सब कुछ बढ़िया है। और तुम रेसिंग गेम्स खेलते हो और तुमने भाई अस्फाल्ट लाइन तक ही खेला है, लेकिन नहीं भाई, गलत बात है यार। देखो, तुम्हें इस गेम को ट्राई ज़रूर करना पड़ेगा भाई, ये गेम अस्फाल्ट लाइन से भी बाप लेवल का है, मैं सही बता रहा हूँ भाई। मुझे यकीन नहीं होता अस्फाल्ट 9 से हाई ग्राफिक्स वाला गेम भी एग्जिट कर सकता है यार मोबाइल डिवाइसेस पे, क्योंकि अस्फाल्ट 9 के ग्राफिक्स तुम खुद देख सकते हो और जो इसके ग्राफिक्स है वो अस्फाल्ट 9 से भी बेहतरीन है, तो तुम खुद इमेजिन कर सकते हो। इसमें कुछ काफ़ी सारे नए नए फीचर्स देखने मिल जाते हैं, मतलब एक तरह से कहना कि अस्फाल्ट 10 को कम्प्लीटली मॉडिफाइड करके इस गेम को बनाया गया है। और इस गेम में क्या आपको मल्टीप्लेयर के फीचर्स काफ़ी मिल जाते हैं और अस्फाल्ट 9 से ज़्यादा लेवल्स। आज की जो वीडियो थी वो यहीं खत्म होती है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय। So they just get to get away with this? How'd you find us? You can't stop this. I want what you want.